आप कुछ शब्द, बहुत थोड़े से शब्द पुस्तक के बारे में, क्योंकि आदरणीय कृष्ण गोपाल जी के सामने हम क्या बोल सकते हैं, वो तो एक बार पुस्तक को नजर लगाएंगे तो वो सब कुछ बता देंगे कि उसमें कैसा क्या है। तो मगर मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी पुस्तक का बेसिस सिर्फ एंड सिर्फ वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में पहले ही अध्याय में, कांड में, पहले ही 6 सर्गों के अंदर उन्होंने डिटेल में दिया है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना श्री राम के जीवन काल में करी। उन्होंने अच्छी तरह लिखा है, लिखा नहीं है, वो रचना शब्द यूज करते हैं, उन्होंने लिखना शब्द कहीं यूज नहीं किया, उनके जीवन काल में करी। तो मेरी पुस्तक में पहले अध्याय का पहला पैरा क्या है, वो है कि महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा, मुझे वर्तमान में संसार में उस सर्वाधिक गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, सदाचारी एवं विद्वान व्यक्ति के बारे में बताइए जो बहादुर तथा दयालु हो, बुद्धिमान तथा मेधावी हो, यशस्वी तथा सत्यवादी हो एवं असुरों के अत्याचारों से सज्जन पुरुषों की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता हो। देव ऋषि नारद ने कहा, वर्तमान समय में इक्ष्वाकु राजवंश के वंशज एवं अयोध्या के राजा श्री राम एक ऐसे पुरुष हैं जिनमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। संपूर्ण गुणों से युक्त कौशल्य नंदन राम गंभीरता में समुद्र तथा धैर्य में हिमालय के समान है। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर चले गए और श्री राम के जीवन का वृत्तांत की रचना प्रारंभ कर दी। तो ये पहला पैरा है। तो पहला जो रामायण, पहली रामायण रचना करेगी वो वाल्मीकि जी ने करी और वो श्री राम के जीवन काल में करी। उसके बाद 300 से ज्यादा रामायण आ चुकी, वो सब अपने अपने समय की छाप लेकर उसको लिखती रचती चली गई। अब रचना करने के बाद महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि ये फ्यूचर जनरेशन तक कैसे पहुंचाई जाए। तो उन्होंने देखा मेरे पास तो लव कुश है, वो तो बहुत विद्वान है, वो तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, मैं उनको कंठस्थ कराता हूँ और वो फ्यूचर जनरेशन तक इसको पहुंचाएंगे। आपको मालूम है कि श्रुति स्मृति की भारत में, एक भारत में क्या विश्व भर में परंपरा रहती है, पर यहाँ तो बहुत लंबी परंपरा रही है कि गुरु शिष्य को सिखाता है, लिख के जरूरी नहीं है, अभी भी ओरल चलता है, पूरा की पूरी किताबें की किताबें जो हम लिख के करते हैं वो ओरल ट्रांसमिट करी जाती हैं। तो उन्होंने उनको सिखाया और लव कुश ने ये कहानी जगह जगह ऋषियों के, मुनियों के, सभी जगह आश्रमों में, लेन्स में, सभी जगह सुनाई। मगर फिर जाके नैमिषारण्य में, जहाँ श्री राम अपना, आप सबको मालूम ही है इतना रामायण का कि वो यज्ञ करने आए थे, जब सीता का निर्वासन हो चुका था, लव कुश पैदा हो चुके थे, तो वो वहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ करने गए थे। तो वहाँ वाल्मीकि उनको लाए थे। तो वो जहाँ वहाँ जब गा रहे हैं तो सारी अयोध्या की जनता, सारे कुलीन लोग, सारे राजा जो आए हैं उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। देखने में वो बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, शक्ल उनकी इतनी सुंदर है, गाना वो इतना सुंदर गाते हैं रामायण का कि मंत्रमुग्ध हो गए सब। तब श्री राम ने उनको बुलवाया और कहा कि मेरे दरबार में ये यज्ञ भूमि में आप रामायण का गीत गाए, पाठ करिए। उन्होंने किया। तो लव कुश ने जो कहानी सुनाई वो मेरी इस पुस्तक का आधार है। और वो लव कुश ने कहानी श्री राम के जीवन काल में श्री राम को ही सुनाई, उसको रामायण नहीं सीताएं कहिए, क्योंकि वो सीता के एंगल से भी उतनी ही लिखी गई है जितनी राम के एंगल से लिखी गई। ये सब बाद की बातें हैं कि सीता को यू नो एक सोसाइटी में चेंज आई, औरतों की पोजीशन नीचे हो गई, तो कुछ चेंजेस आ गए। तो वो रामायण में हमने क्या किया, हमने तो ये कराया कि उसमें बिना कुछ बदले उसमें जो साइंस के आधार पर जो जो साक्ष्य प्रमाण उसके मिले वो कहानी में बुन दिए, अच्छी तरह रच बुन दिए। रच बुन कैसे दिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगी। जैसे रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा
कि राम के जन्म के समय आकाश में विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति क्या थी। उन्होंने ये कहा, पांच ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में थे। वो उच्च स्थान आज भी नहीं बदला, वही है। सूर्य मेष में, मंगल मीन में, शनि तुला में और ये जुपिटर जो है वो कर्क राशि में, और कर्क राशि इससे उदय हो रही है। ये सब डिटेल जो उन्होंने दिए वो और ये कहा कि चंद्रमा उस समय जैमिनी से कैंसर की तरफ आ रहा था। आप ये पूरे के पूरे, क्योंकि ये पूरे दिए गए हैं, 100% डिटेल जो चाहिए वो दिए गए हैं, जब उसको प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर्स, आप में से कितने लोग कभी प्लेनेटेरियम गए होंगे, नेहरू प्लेनेटेरियम या, हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर हमने भी ले ली अपने, उस पर देखना शुरू कर दिया। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि 25,920 वर्ष में जो इस समय बाहर स्काई व्यू है वो भू रिपीट नहीं कर सकता द्वारा। इसी स्काई व्यू को द्वारा आने में कम से कम 25,920 साल लगेंगे। तो इस वैज्ञानिक तथ्य को साथ लेकर हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और आभारी हैं हम पुष्कर भटनागर के, जो बहुत समय पहले भगवान को प्रिय हो गए, और अब्दुल कलाम जी के, नहीं तो हम उसमें चक्कर ही काटते रहते। जब उन्होंने ये कहा कि 7,000 वर्ष पूर्व देखिए, क्योंकि उस समय जो धरती का इक्विनॉक्शियल पॉइंट था वो पुनर्वसु में था, और वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग उस समय इक्विनॉक्शियल पॉइंट पुनर्वसु में था। तो फिर बहुत सुविधा हो गई। 5114 बीसी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हूबहू सभी स्थितियां वो मिली आकाश में, इधर दिखाई गई हैं। आप जाने से या जब चाय के लिए इधर से जाएंगे तो देख सकते हैं। ये इस तरह से स्काई व्यू आता है, सानी लेरी लीडरशिप फाइल से सबके साथ दिखा दिए। नीचे स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर। अब एक स्काई व्यू अगर मिलता तो हम उसको बहुत ज्यादा बड़ी बात ना मानते। 5114 बीसी का मतलब आज से 7100 साल से भी अधिक पहले की बात हुई। मगर राम के जन्म से 2 साल पहले से शुरू होके राम के लंका पर चढ़ाई करने तक के स्काई व्यू सीक्वेंस में एकदम हूबहू वही आएंगे। और जिस दिन जिस समय उन्होंने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का वर्णन किया वो ग्रहण भी होंगे। ये हमारी पुस्तक का मेन आधार है कि वाल्मीकि जी को ने की रामायण को लवकुश ने सुनाते हुए जो जो ये कॉन्फ़िगरेशन थी वो सब आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। अब हुआ क्या कि जब हमने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको पेश किया तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि उनकी सॉफ्टवेयर ये डेट नहीं दे रही। तो फिर हमने कहा भी इस बात को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। हमने सभी जो मेन सॉफ्टवेयर है, स्टेलेरियम नासा की एफिमिरस यूज करती है, वो ली वॉयजर ली और ले लिया, और उनकी क्या डिफरेंस है क्या है वो भी ले लिए। तो हमने स्टेलेरियम से भी सारे के सारे स्काई व्यू उसी तरह 14 की 14 लाइन में जनरेट कर दिए, और वो सभी के सभी 40 दिन प्लस माइनस 1 दिन के फर्क में आ गए। उसके कारण सब पुस्तक में, पुस्तक का मेथड ये है कि ये स्काई व्यू दिया, स्टेलेरियम का स्काई व्यू दिया, 40 दिन प्लस माइनस 1 डे के अंतर का कारण क्या है वो सिर्फ कैलेंडरिकल डिफरेंस है, और उसकी पूरी एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस को उसके परिशिष्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया। मतलब यह भी जो कहानी पढ़ना चाहे, ज्यादा साइंस पे ना जाना चाहे, वो कहानी पढ़ता जाए। जिसने ज्यादा साइंस देखनी हो उसका बॉक्स देखे और उसका परिशिष्ट देखे, ये उसका लेआउट है पुस्तक का। ये देखने के बाद जब हमें एक बार ये हो गया कि हाँ ये 5114 बीसी का चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष नवमी बर्थ के बाद लेके सारे के सारे स्काई व्यू लाइन में मिलते हैं और सभी सॉफ्टवेयर्स में मिलेंगे। चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष तो होगा ही होगा, वो डेट किसी सॉफ्टवेयर में 10 जनवरी होगी, किसी में 19 का, ये क्या गया हो गया। तो फिर हमने आर्कियोलॉजी के और के सबके तरह तरह की एविडेंसेस निकाली।
और आप हैरान होंगे कितनी आर्कियोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, मेहरगढ़ की हैं, लोहरा देवा की हैं, और हरियाणा में कुनाल की हैं, काली हंगन की हैं, जहाँ पे आपको 5000 वर्ष से पुरानी हिंदुस्तान में कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो आपके स्कूल कॉलेज में तो ये पढ़ाते हैं कि 1500 BC में हमें मालूम भी नहीं थी, शायद वीर तो ब्राज़ील से आगे पूछा, आपको 7000 साल पुरानी ये सब चीज़ें मिलेगी। हमने उस रिपोर्ट के साथ, पूरे संदर्भ के साथ, उसकी पिक्चर के साथ इस पुस्तक में उसको शामिल किया। वो सब 7000 साल पुराना जो कुछ मिलता था। अब जैसे पहले ये हो गया कि चूड़ामणि कहाँ से दे दी सीता ने, तब तो चूड़ामणि होती ही नहीं थी। रिंग कहाँ से दे दी राम ने, क्योंकि रिंग तो होती ही नहीं थी। तो हमने इसमें पिक्चर्स दिखाई हैं नॉर्थ इंडिया में एक्सकेवेटेड आर्टिकल्स में, जहाँ 7000 साल पुराने रिंग और चूड़ामणि मिले हैं, और उसकी पिक्चर और प्रूफ और आर्कियोलॉजी रिपोर्ट हमने लगाई है, ये काम किया करने की पुष्टि। अब हम इसका बताने, आप कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब काम हम, ये इतने सारे तथ्य और वैज्ञानिक वो स्वयं इकट्ठे कर सकते थे। हमें बहुत बड़े वैज्ञानिकों की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता थी, और फिर उसको आत्मसात करने की आवश्यकता थी ताकि हम एक उस पुस्तक में पिरो सकें। तो उसके लिए मैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में ये बताऊंगी कि पुस्तक का आधार तो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा लिखी हुई वाल्मीकि रामायण, प्लेनेटेरियम गोल्ड और स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स इसमें दिए गए। इन आकाशीय दृश्यों को समझने, मुद्रित और रेखांकित करने में श्री अशोक भटनागर, श्री दीपक विश्वकर्मा, श्री पीयूष संदीप, श्री गिरीश गिल तथा श्री कमल मणि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये शॉर्ट स्क्रीन शॉट सारे मेरे अपने लिए हैं। पुरातात्विक जानकारियां हमें डॉक्टर बी आर मणि, डॉक्टर जे एन पॉल, डॉक्टर जे एन के एन दीक्षित, डॉक्टर आर एस बिश, डॉक्टर राकेश तिवाड़ी, डॉक्टर बसंत शिंदे, श्री कुलभूषण मिश्रा, उनसे और कई अन्य पुरातत्वविदों से मिली है। ये एक्नॉलेज करना जरूरी इसलिए है कि इनसे ये ले लेके मैंने उनको पढ़ा, समझा, अपनी पुस्तक में शामिल किया और उनको एक्नॉलेज किया। और वो किस संदर्भ में कैसे रामायण की उस कहानी को सपोर्ट करते हैं वो बताते हैं। फिर रामायण में वर्णित प्राचीन पौधों के जीवाश्मों के तिथि निर्धारण से संबंधित पूरा वनस्पति वैज्ञानिक निविष्टियां मुख्य रूप से प्रेमेंद्र प्रियदर्शी जी से मिली। ओके, के एस बल्दिया और ए आर चौधरी जी ने भू वैज्ञानिक निविष्टियां प्रदान की। राजीव निगम जी ने, ये आप देखेंगे राम सेतु सभी का नजर जाता होगा, और वो एक नीचे हमने वो समुद्र स्तर की कर्व दे रखी है, पिछले 15000 साल में समुद्र जल स्तर कहाँ रहा, और आप देखेंगे कि 7000 साल पहले समुद्र का जल स्तर आज से 3 मीटर नीचे था। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की रिपोर्ट है, और सेतु जो है एग्जैक्टली उतना ही गहरा नीचे डूबा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 7000 साल पहले इस पुल पे चला जा सकता। तो फिर हम आप इसरो के इमेजेस लिए, जियोलॉजी की रिपोर्ट्स ली, मगर मैं यहाँ पे ये मेंशन जरूर करना चाहूंगी, आनुवंशिक अध्ययन लिए ज्ञानेश्वर चौबे से। एक बार हमने ये भी प्रूव किया है कि पिछले 10000 साल में भारत में कोई जेनेटिक इन्फ्लो नहीं है हमारे दिमाग के बल, जेनेटिक कंटिन्यूटी है। और फिर मैं एंड में कहूंगी कि इस पुस्तक के लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है हमारे हरीश जैन, जिन्होंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प की, और डॉक्टर आशा जोशी जी जिन्होंने, जो पुरातत्व परिषद में, उन्होंने इसका लास्ट फाइनल संपादन उन्होंने किया। तो इस पुस्तक के में जब आप इसको पढ़ें या देखें, चार चीजें मैं बस रिकमेंड करूंगी जो मुझे लगता है कि हमने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, बहुत ही ओरिजिनल तरीके से दिए हैं। एक तो राम सेतु से संबंधित सभी वैज्ञानिक तथ्य विश्व भर से इकट्ठे करके हमने वहां दिए। दूसरे, गंगा की कहानी दी है। गंगा की कहानी में हम कहते हैं कि वो जो स्वर्ग जैसी ऊंची शिवलिंग की पहाड़ियों से
शिव जी के जटाओं जैसे उलझे हुए ग्लेशियरों से होती हुई भागीरथ के प्रयत्नों से गंगा धरती से होते हुए समुद्र तक बह गई। तो वो जो आस्था और विज्ञान दोनों एक ही तरह के श्लोकों में रामायण में दे रखे हैं वो हमने दिया है, और युगों की अवधारणा को बहुत बहुत डिटेल में समझाने का कोशिश किया है कि 360 के मल्टीप्लीकेशन में शायद कहीं गलती हो गई। युग 12,000 डिसेंडिंग और फिर 12,000 असेंडिंग और इन बिटवीन कुछ ईयर्स होने चाहिए थे, ये पेश किया है कंसिडरेशन के लिए। तो ये कहते हुए मैं इसको और उसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूंगी कि हमने एंड में चार शब्द, जो लास्ट चार शब्द भी मुझे पुस्तक के पढ़ देने चाहिए। हमारी पुस्तक का सेवंथ चैप्टर है, उसका जो लास्ट पहले की दो लाइन है वो है, श्री राम के महान गुणों को हृदय से अनुसरण करके उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने दें और उन्हें एक आदर्श संतान, आदर्श भाई, आदर्श शासक तथा आदर्श समाज सुधारक बनने दें। श्री राम और रामायण को मिथक बताकर हम युवा वर्ग को उनके सच्चे आदर्श नायकों से वंचित ना होने दें। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी के शब्दों में, इन्हीं गुणों ने तो श्री राम को नरसिंह नारायण बना दिया। तो इससे हमने कंक्लूड किया। तो मेरी आप सबसे, जिसका भी इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में आता है और वो पढ़ते हैं, ये मैं अवश्य रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको उसमें कोई त्रुटि लगती है, हमने अपनी तरफ से कोई बात आस्था से ऐड नहीं करी, कोई बात अनसाइंटिफिक ऐड नहीं करी, तो आप हमें मेल या उससे जरूर समझाइए ताकि हम आगे को और सुधार कर सकें। धन्यवाद। हार्दिक आभार स्वरूप बाला जी। विषय बहुत बड़ा है पर हमें समय का आज थोड़ा बंधन है, माने कृष्ण गोपाल जी को फ्लाइट पकड़नी है, इसे समय की मर्यादा है। अब वह क्षण आ गया है जिसकी हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से आग्रह करता हूँ, कृपया रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी का लोकार्पण कर अनुग्रहित हूँ। यार नीचे बैठ जाओ भाई, बात करना।